हेलो एवरीवन, दिस प्रवीदास फ्रॉम ट्यूटोमेटर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। लेटिस एक्चुअली जो है एक डिज़ाइनिंग मॉडिफायर है। ये नॉर्मली कोई भी ऑब्जेक्ट का वर्टेक्स पिक के ऊपर ही काम करता है ना। तो मैं नॉर्मल से एक टीपॉड ले लेता हूँ दिखाने के लिए। ठीक, रियलिस्टिक से शेडेड कर लेता हूँ। तो अभी जैसे मैं F4 दबाऊंगा ना दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखोगे कि दो एजेस, इसको हम एजेस बोलते हैं, जो वाइट लाइन है, ये एजेस दो या दो से ज़्यादा एजेस जहाँ पे आके इंटरसेक्ट करती है ना, वहाँ पे एक वर्टेक्स बनता है ना। तो ये वर्टेक्स बेस्ड मॉडिफायर है, लेटिस मॉडिफायर। मैं जाता हूँ सिंपल यहाँ पे जाके लिखता हूँ लेटिस मॉडिफायर लिस्ट में, तो लेटिस आ गया मेरे पास। अब देख सकते हैं कि जितना भी इसका वर्टेक्स था ना, वहाँ वहाँ पे एक शेप आ गया है ना, और ये लगभग लगभग उसके जैसे दिख रहा है। तो नीचे आता हूँ मैं, यहाँ पे आपको मिलेगा स्ट्रूट्स। मैं इसका रेडियस कम कर सकता हूँ। अब देखेंगे जो इसका बीच का जो लाइन था, दो टेट्राहेड्रल को जोड़ने के लिए जो लाइन था, वो यहाँ पे इसका मैं रेडियस कम कर सकता हूँ, है ना। सेगमेंट से यहाँ पे सेगमेंट बढ़ाना है तो बढ़ा सकता हूँ, बट मुझे जब ज़रूरत नहीं है तो मैं क्यों बढ़ाऊँ। ठीक है, जितना सेगमेंट बढ़ाऊंगा उतना ये हैवी होता जाएगा फाइल। तो मेरे को नॉर्मल यहाँ पे 1 ही रखना है, क्योंकि 1 से मेरा काम चल जाएगा। साइड से यहाँ पे आप देखेंगे जो बीच वाला है, ये जो लाइन है, इसका मैं साइड्स अगर बढ़ाता हूँ तो ये गोल होता जाएगा धीरे धीरे। तो आपको जितना गोल चाहिए, जितना राउंड शेप चाहिए, आप उसका सेगमेंट बढ़ाइए। अगर राउंड शेप नहीं चाहिए तो 3 से भी कम चल जाएगा, है ना। नीचे आता हूँ मैं, एंड कैप्स, ओके, यहाँ पे कुछ काम नहीं है। नीचे आता हूँ यहाँ पे है मेरे पास कि जॉइंट्स कैसा होगा, टेट्राहेड्रल शेप का होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, कि आइकोस्फीयर होगा, है ना। तो डिपेंड करते हैं कि आपका किस टाइप का होगा। रेडियस मैं यहाँ से कम कर सकता हूँ, जो बीच वाला ऑप्शन है ना। अब आप देख सकते हैं कि इस टाइप का एक ग्रिड लुक आ जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट में। अगर ग्रिड लुक आपको डालना है तो इस टाइप से आप डाल सकते हैं ना। रेडियस में थोड़ा सा इसको बढ़ाऊंगा, है ना। आप देख ही सकते हैं किस टाइप का ये एक लुक दे रहा है मेरे को, एक ग्रीडी लुक दे रहा है। तो ये चीज़ आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बना के इसमें डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ टीपॉड में ही होगा, जिसमें भी चाहिए आप उसमें डाल सकते हैं। सेगमेंट यहाँ पे मैं बढ़ाऊंगा, तो सेगमेंट बढ़ाते हैं यहाँ पे, आप देखेंगे कि वो उतना गोल हो रहा है। ऑब्वियसली ये जितना आप सेगमेंट बढ़ाएंगे उतना हैवी होता जाएगा। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप जितना हो सके उतना कम ही सेगमेंट में काम चलाए, हैवी मत कीजिए फाइल, वरना ये चलेगा नहीं, है ना। तो सेगमेंट मैं यहाँ पर कम कर लूँगा इसका, तो 1 से मेरा काम चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं 1 कर दूंगा, है ना। तो यही है इसका यूज़ मेनली, जस्ट ये डिज़ाइन पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। कहीं भी आर्किटेक्चरल वर्क वर्क आप कर रहे हैं और इंटीरियर बना रहे हैं, तो वहाँ पे आप इसको डाल के लगा सकते हैं, है ना। बहुत ही अच्छे एक लुक दे देगा। अगर ये ग्लास का बना होगा तो और भी बेहतरीन लुक आ जाएगा। अंदर आप एक लाइट जला सकते हैं ग्लो करता हुआ, सो इट लुक वेरी गुड। एक आर्किफेक्ट्स यहाँ पे आप घर में ऐड कर सकते हैं इसको, है ना। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वाला ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पे जाकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी कमी या कोई भी कमी लग रही है तो प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा बेटर से बेटर रिजल्ट ला सकूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँ, जैसे ही मैं यूट्यूब में कोई वीडियो डालूँ, तो वो सीधा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप सबसे पहले देख पाए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी भी सॉफ्टवेयर पर पेड DVD चाहिए, जिसमें पूरा का पूरा पैकेज होगा बंडल्स का, ट्यूटोरियल्स का, तो प्लीज़ मुझे मेल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल ID दिया हुआ है। और कोई प्रॉब्लम होती है तो यू आर फ्री टू कमेंट, आप कमेंट में बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं आप लोगों के आंसर्स देने के। और तब तक के लिए अच्छे से देखिए, बी क्रिएटिव। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ पे। थैंक यू।